हर हर महादेव संत गौरा पार्वती एपिसोड 99 में आपका स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं मुने, तदनंतर भगवान शंभु नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहते हैं, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रख कर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह के साथ आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर शंखकर्ण केकराक्ष विकृत विशाख पारिजात विकृतानंद दुंदुक कपाल संहारक कंदुक कुंडक विष्टम्ब पिप्पल सनादक आवेशन कुंड परवर्तक चंद्रतापन काल कालक महाकाल अग्निक अग्निमुख आदित्य मूर्धा घनावह सन्नाह कुमुद अमोघ कोकिल सुमंत्र काक पादोदर संतानक मधुपिंग कोकिल पूर्णभद्र नील चतुर्वक्त्र करण अहिरोमक यजवाक्ष शतमन्यु मेघमन्यु काष्ठागूढ़ वीरूपाक्ष सुकेश वृषभ सनातन तालकेतु षण्मुख चैत्र स्वयंप्रभु लकुलीश लोकांतक दीप्तात्मा दैत्यांतक भृंगिरिटी देवदेव प्रिय अश्नि भानुक प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चले। वे सब सहस्र हाथों से युक्त थे, सर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे, उन सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे, उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण धारण किए हुए थे, हार कुंडल केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांप के आभूषण अपने पर विभूषित कर रखे थे। उनका वाहन प्रेत था, वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने, वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिमडम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे थे। दुंदुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवर डुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षद उन्हें अपने ढंग से आभूषण के आदि विभूषित किया। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों शास्त्रों पुराणों आगमों सनकादि महासिद्धों प्रजापतियों पुत्रों तथा अन्य अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिवजी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी यातुधान बेताल ब्रह्मराक्षस भूत प्रेत पिशाच प्रमथ आदिगण तुम्बरु नारद हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन माताएं सारी देव कन्याएं गायत्री सावित्री लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं ये तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं शंकर जी का विवाह है
यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंगकांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्मवत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पाणी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभू का चरित्र कहा गया है। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे सुनो। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। बहुत प्रशंसा के साथ मैं कह सकता हूँ कि बहुत डिटेलिंग इसमें दी गई है। जो श्रेष्ठ गंधर्व है उनका नाम हाहाहू बताया गया है। शिव के प्रमुख गणों का नाम बताया गया है। इसके अलावा वह किस तरह से शोभा पाते थे, उनके वस्त्र, अलंकार, आभूषण। यदि हमारा धर्म केवल माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी में इतनी डिटेल नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ एक ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी ग्रंथों में इतने सारे किरदारों का उल्लेख होना और सभी का समानांतर होना, ये अचंभे की बात होगी अगर ये कहानी है। सत्य गाथा भी है। शिव योगी होते हुए भी गृहस्थ हैं, ये बात हम सबको विचारणीय है। यानी कि वह समझाते हैं कि आप गृहस्थ रहते हुए भी उत्तम व्रत का पालन कर सकते हैं, पर दिखावे की सृष्टि से बच करके हम अपने को उन्नत बनाने का प्रयास करें तो ही ये जीवन सार्थक है, अन्यथा की केवल ढोंग और पाखंड मात्र है। मेरी माता जी कहती हैं कि शिव को केवल 2 मिनट ध्यान करने मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि आप तो अपने घर के, परिवार की, अपनी माँ का उदाहरण दे रहे हैं, तो एक बात यह है कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो इष्ट कहे गए हैं वो शिव कहे गए हैं। मेरी माता जी बचपन से निरंतर उनकी पूजा में संलग्न रही है। शायद मैं इतना कर्मकांड में ध्यान नहीं दे पाता हूँ, समय नहीं दे पाता हूँ। मेरी पूजा महीने में केवल 10 मिनट की होगी, तो उनकी तो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे, चाहे वो कितना ही बीमार हो, चाहे स्वास्थ्य से कितनी ही दिक्कत हो, तब भी ये दोपहर के 2 बज जाएँ तब भी जब तक उनका नियम पूरा नहीं होगा वो भोजन नहीं लेते। ऐसे कितने ही अन्य व्यक्ति होंगे जो इतने नियम के साथ जीवन में जीते होंगे। देखिए पूजा और भक्ति में कई लोग कहते हैं कि ये चढ़ाइए वो चढ़ाइए, पर भगवान तो ऐसा नहीं कहते हैं। अगर लिखा भी गया है कि बेलपत्र तोड़ करके अब शिव जी को अर्पण कर रहे हैं, तो उन्होंने तो नहीं कहा कि अब बाजार से हजारों की संख्या में ये सारी चीज़ें खरीद करके लेकर के आए। उन्होंने सिर्फ कहा कि दूध ही चढ़ा दो यार, दही चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, जंगल में उगने वाला कांटेदार फल मेरे को चढ़ा दो जिसका कोई मोल नहीं, अमोल। इतनी आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, इतने आसानी से वर देने वाले हैं, पर क्या आप और हम स्वयं को उतना लायक बना पा रहे हैं कि प्रभु की जो शक्ति है अपने अंदर समाहित कर सकें? और यदि कर पा रहे हैं तो उसका हम किस प्रकार से उपयोग कर पा रहे हैं? क्या दंभ के आचरण में तो नहीं आ गए हैं? बहुत सारी ऐसी बातें हैं इन ग्रंथों में, इतनी सारी रोचकता है, इतनी सारी गूढ़ बातें भरी हुई हैं। यदि आप अच्छे से इनका मनन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो ऐसे आपको राज मिलेंगे जो पूरी जिंदगी में आपको जीवन को बेहतर तरह से जीने में मदद कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरे द्वारा कोई दुश्चर्ता हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। हर हर महादेव, संत गौरा पार्वती, धन्यवाद।